नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भट्टा मालिकों की हड़ताल लगातार जारी है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर आज आजमगढ़ जिले के सदर तहसील के सठियां ब्लॉक सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में आजमगढ़ ब्रिक क्रीन्स ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक बैठक सम्पन्न हुई। एक स्वर में सभी भट्टा मालिकों ने कहा कि सरकार की नीतियां भट्टा संचालन के खिलाफ हैं। ऐसे में भट्टा मालिकों को काफ़ी नुकसान के दौर से गुजरना पड़ रहा है, इसलिए ईंट भट्टा बंद रखने में ही भलाई है। एसोसिएशन के महामंत्री रमाकांत सिंह ने कहा कि GST व कोयला की दरों में बेतहाशा वृद्धि, प्रदूषण और खनन जैसी तमाम समस्याओं को लेकर पूरे देश में हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल का सभी को मिलजुल कर समर्थन करना होगा, तभी भट्टा मालिकों का अस्तित्व बचेगा। उन्होंने कहा कि भट्टा मालिकों का आह्वान किया है, इसी वर्ष हर हाल में ही सरकार से मांग पूरी नहीं हुई तो भट्टा पर ईंट निर्माण का काम पूरी तरह से ठप रहेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अक्टूबर से ना तो कोई टैक्स जमा करेगा और ना ही किसी भट्टा मजदूर को बुलाएगा। इस हड़ताल में आजमगढ़ को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। एसोसिएशन के मंत्री अमित मिश्रा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चल रहे ईंट भट्टों मजदूरों को रोजी रोटी का बहुत बड़ा जरिया है। सरकार इन भट्टों से राजस्व प्राप्त करती है तो सरकार को कुटीर उद्योग के रूप में चल रहे इन भट्टों को सहूलियत प्रदान करना चाहिए, ना कि उनका शोषण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की मांग उचित है, इसलिए सरकार को विचार करना होगा। भट्टे नहीं चलेंगे तो करोड़ों मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजतिलक यादव ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही सरकार उनकी बातें सुनेंगी, इसलिए संगठन को मजबूत करना होगा। सभी लोगों को संगठन से तन मन धन से जुड़ना होगा। इस बैठक में भट्टा मालिक राजा सिंह ने संबोधित करते हुए भट्टा मालिकों की कमियों और इच्छाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को हम राजस्व भी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, सरकार हमें चोर भी साबित करने में लगी रहती है। इसके लिए भट्टा मालिकों को जागरूक कराना होगा। इस बैठक में भट्टा मालिक रमेश अवधेश प्रताप सिंह, रामनवल यादव, सुरेश यादव, अनिरुद्ध प्रकाश राय, अरविंद कुमार सिंह, रणधीर सिंह, कमलेश कुमार, पंकज सिंह मास्टर, अबुसाद, कमला यादव, प्रेम शंकर यादव, संतोष यादव, नंदकिशोर चौहान, सुभाष चौबे, त्रिलोकी सिंह, इश्तियाक अहमद, अफजाल अहमद, हरी राय, आकाश राय, अबुल फैज, राजेश प्रकाश सिंह, रमेश सहित तमाम लोग मौजूद रहे। किस संदर्भ में आज हुई है बैठक भट्टा संघ की? राष्ट्रव्यापी हड़ताल के संबंध में हुई है। क्या क्या चीज़ें तय हुई? मुख्य मुद्दे तो चार ही हैं, GST, कोयला, खनन, प्रांसन। तो भट्टा मालिकों की तरफ से क्या चीज़ें आई निकल कर? निकल के आई कि जब तक संगठन की मांग सरकार नहीं मानती है तब तक ये हड़ताल चलेगी। क्या क्या है GST और प्रदूषण का और थोड़ा डिटेल? पहले हम लोग 1% देते थे, अब उसे बढ़ाकर 6% किया गया, और पहले ITC का लाभ लेने पर 5% लगता था, अब 12% लग रहा है। तो इतना टैक्स देने पर भट्टे वाले को कुछ बचना ही नहीं है, बल्कि घर से जाना है। इतना महंगा कोयला लेकर के भट्टे वाले क्या घर ले जाएंगे, उनके बाल बच्चे क्या खाएंगे? तो इन सब संदर्भों को लेकर के सरकार हमारी कम से कम 4 मांगे मान ले और न माने तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। ये जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसका असर उपभोक्ता पर पड़ेगा कि भट्टा मालिक पर? आप बताइए कि उपभोक्ता पर तो मान लीजिए पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन भट्टा मालिक कितना रेट बेच देगा और पब्लिक के पास कितना पैसा है कि वो खरीद लेगी? हमेशा जब सस्ता होता है ईटा तो ज़्यादा लोग खरीदते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, और जब महंगा होता है ईटा तो डिमांड ही कम हो जाती है, सेल कम हो जाती है, तो ऐसे में नुकसान होता है।